नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिचोर। गुरुवार शाम 7 बजे तक की हेडलाइंस पर डालते हैं एक नजर। अभी तक की बड़ी खबर ये है कि छुट्टी पर गए सीबीआई के डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर अभी भी पद पर बरकरार हैं। सीबीआई ने इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि आलोक वर्मा डायरेक्टर और राकेश अस्थाना स्पेशल डायरेक्टर हैं। जब तक इनकी सीवीसी जांच नहीं कर लेती तब तक नागेश्वर राव अंतरिम तौर पर कार्यभार संभालेंगे। सीबीआई में रिश्वत कांड के टूल पकड़ने के बाद अब सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा पर जासूसी का आरोप लगाया है। दरअसल आलोक वर्मा के जनपद स्थित घर के बाहर से 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये लोग इंटेलिजेंस ब्यूरोज के कर्मी निकले। दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से कथित मारपीट के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए जमानत दे दी है। केजरीवाल के साथ साथ कोर्ट ने आरोपी डिप्टी सीएम और अन्य आप विधायकों को भी जमानत दे दी है। विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश के नेता जगनमोहन रेड्डी पर एक शख्स ने हमला कर दिया। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगनमोहन रेड्डी को एक शख्स ने कंधे पर चाकू मार दिया। पुलिस ने हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार शाम 7 बजे तक की हेडलाइंस में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए hindi.firstpost.com के साथ।